गीता के 314 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं और इसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखला यमाशाश्वतम ना परोवंती महात्मना संसिधि परमा गता। इसका मतलब है मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी दुखी से दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। मुझे जो प्राप्त कर लेता है जो भगवान के शरण में आ जाता है वो कभी दुख को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है क्योंकि उसे परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आ ब्रह्मा भुवन लोक पुनर्वर्तिन अर्जुना मामुपेत्या तू कौन्तया पुनर्जन्म ना विदते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न स्तर सारे लोग दुखों के घर हैं। मतलब ये संसार जो है दुखों का घर है। ये संसार में आप जो सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन ये संसार दुखों का ही घर है जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। जन्म और मरण डेथ एंड बर्थ का जो साइकिल है वो चलता है, लाइफ साइकिल चलता है ये इस वर्ल्ड में इस दुनिया में। किंतु हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं श्री कृष्ण, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है जो मेरे शरण में आ जाता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता, उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। वो कभी भी जन्म नहीं लेता, उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। सहस्त्र युग प्रांतया महार्दया ब्रह्मनो विदु रात्रि युग सहस्त्रास्त्रांता ते हरोह रात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ब्रह्मा का जो है 1000 युग मिलकर ब्रह्म का एक दिन बनता है और इतनी बड़ी ब्रह्म का भी रात्रि भी होती है और ब्रह्म का जो है ब्रह्मा का इतना बड़ा रात्रि भी होता है। जितना दिन होता है उतना रात होता है। तो 1000 युग का मतलब बहुत बड़ा होता है और उसका एक दिन होता है सिर्फ ब्रह्मा को और एक दिन होता है रात्रि को, उतना ही रात्रि का भी एक दिन होता है। अनगिनत नंबर अव्यक्त सर्वा प्रभाना त्यारागमे रात्रेगमे प्रण्यनियते तत्रे वाक्य वक्ता संघ के। इसका मतलब है ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और जब भी रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। मतलब जो अव्यक्त है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता उसमें से दिन में सारे व्यक्ति जागते हैं और रात्रि में फिर पुनः विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ परस्तास्तु मातु भावा न्यो व्यक्तो व्यक्ता स्नातन एह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यतेषु ना विनश्यते। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यह श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। इस संसार में जब सब कुछ लय हो जाता है तब उसका नाश नहीं होता। सब कुछ जब लय हो जाता है तब इसका नाश नहीं होता। ये संसार में अतिरिक्त और अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त प्रकृति मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वैसा प्रकृति ऐसा नेचर है जो शाश्वत है, जो सच्चाई है, यही सच्चाई है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यानी जो रियल है और जो अनरियल है उससे परे है। यह परा यह श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली, कभी भी नाश नहीं होगा वो चीज़, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा जब इस संसार का लय हो जाता है, ऐसा जब लय हो जाता है तब
उसका नाश नहीं होता है, तब उस चीज का नाश कभी नहीं होता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।